हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये कैप बनाएंगे अपने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। मंकी कैप है ये, इस तरह से। अब मैं 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ये वाली कैप बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसमें इस तरह से एक एक चैन हो गई हमारी, 2 3 4, यहाँ पर 4 चैन हो गई। अब पहली वाली चैन थी, इसमें हम इसे जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब यहाँ पर ये होल बन गया। सबसे पहले यहाँ पर 3 चैन। अब इस वाले होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 1 3 की चैन की डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया, 2 और 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई, 4, 5 छह, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 डबल क्रोशिया हो गई। 12 डबल क्रोशिया हो गई इसमें। अब यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चैन, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली चैन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में 1 बनाएंगे, आगे वाली चैन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 ही चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे तरह से। फिर से आगे वाली में 1 बनाएंगे, आगे वाली में 1 ही चैन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे 1 ही चैन के अंदर। फिर से 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, 1 ये 2, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 2 बनाएंगे, 1 इसी चैन के अंदर 1 बार और बनाएंगे। अब यहाँ पे ये 1 डबल क्रोशिया हमारी। अब इसे हम 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पे अब 3 चैन, आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया। अब हम सभी चैन के अंदर 1 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया। अब हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया बनाकर मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पर 2 चैन, अब आगे वाली चैन के अंदर हम 1/2 क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सभी चैन के अंदर 1 1 बार 1/2 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1/2 क्रोशिया से ये राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह से। मैं 1/2 क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पर 2 चैन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पर 3 चैन,
ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सभी में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से से यहीं पे छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे ये चैन गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। यहाँ पे ये नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये नौ, नौ चैन छोड़िए। अब यहीं पे हम तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन हो गई। अब यहीं से हम से घुमाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया हो गई, आगे वाली के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया हो गई। अब ये लास्ट वाली, इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ चैन, आठ चैन बनाने के बाद और यहाँ पे जोड़ेंगे इस वाली में। ये चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक दो चेन इस तरह से घुमाएंगे। अब यहाँ पे ये आठ चेन बनाई थी, अब इसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये हमारी एक या दो चैन की एक डबल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया हो गई। दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ डबल क्रोशिया हो गई। अब ये वाली है डबल क्रोशिया बनाई थी यहाँ पे इस तरह से, ये वाली डबल क्रोशिया है ये वाली। अब इसमें भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे, सभी के ऊपर हाफ क्रोशिया बनाएंगे। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक यहाँ पे भी बनाएंगे। अब यहाँ पे दो चैन बनाई थी, इसमें जोड़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे तीन चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली चैन के अंदर हम दो बार बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गई। फिर से आगे वाली में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया। एक ही चैन के अंदर अब हम दो बार बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर एक बार और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक और ये दो डबल क्रोशिया। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर एक बार और बनाएंगे ये दो। अब हम इस सभी के ऊपर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर लास्ट में आ गए, वहाँ पर मैंने दो डबल क्रोशिया बना लिए थे और ये
थ्री की चैन की एक डबल क्रोशिया थी, इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। यहाँ पे हमारे दो डबल क्रोशिया हुए और यहाँ पे थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बनाकर अब इसे काट देंगे इस तरह से। अब इसे यहाँ पे पीछे की तरफ इस तरह से सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से बन के आई है हमारी कैप। अब यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे, उसके हम किनारी बनाएंगे। इसके लिए हम यहां से इस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले से लॉक कर लेंगे और यहां पे एक चेन बनाएंगे। अब इसी चेन के अंदर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे वाली चेन के अंदर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली चेन के अंदर एक हाफ क्रोशिया, आगे वाली में हाफ क्रोशिया, आगे वाली चेन के अंदर हाफ क्रोशिया। अब हम सभी चेन के अंदर एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सभी के अंदर एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से और इसमें भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और ये यहाँ पे ही हाफ क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बनाकर और इसे हम काट लेंगे इस तरह से। ये हमारी कैप बनके तैयार हो गई। इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ सेट कर देंगे। अब मैं इसे कान्हा जी को पहनाकर आपको दिखाती हूँ। हम अपने कान्हा जी को इस तरह से पहनाएंगे। इस तरह से आई हमारे कान्हा जी की कैप। हमारे कान्हा जी पूरे तरह से कवर हो गए।